एक बार गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार आता है और कहता है, बुद्ध आप हमेशा सबसे कहते रहते हैं कि ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं तो कुछ समय के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता हूँ। मेरा मन इतना अशांत है कि यह हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों के तूफान उमड़ने लगते हैं, लोगों के बारे में, अपने साथ बीती घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और ऐसे ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार उठने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब रोक नहीं पाता तो बेचैन होकर ध्यान से उठ जाता हूँ। बुद्ध आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आज़ाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये चार आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज़्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा अशांत और परेशान रख रही है। और ज़्यादातर मौक़ों पर लोग दूसरों की मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं। और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है और फिर ये लोग अशांत महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो, दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत, ये सोचना कि असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। हंसने दो लोगों को, असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है। जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसीलिए असफलता को बुरा मत समझो। और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी वो बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। दोस्तों, अगर आपको भी असफलता से डर लगता है और अगर आप भी सिर्फ इस डर से कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, तो आपके इस डर को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगी एक बुक जिसका नाम है डेयर टू फेल। और अगर आपके पास इस पूरी बुक को पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हिंदी में इस बुक की समरी भी सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। इस बुक समरी में आपको वो सारे आंसर मिलेंगे जो फेलियर के प्रति
आपके नज़रिए को बदल कर रख देंगे। इस बुक समरी में उन तमाम लोगों के संघर्ष की कहानियाँ बताई गई हैं जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, जिनके संघर्ष की कहानी सुनकर आप भी कह देंगे कि इतना संघर्ष, हम तो होते तो हार ही मान जाते। इसीलिए आप लोग एक बार इस बुक समरी को जरूर सुने। और कुकू एफएम के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप 10,000 से भी ज़्यादा किताबों को हिंदी, इंग्लिश जैसी 7 अलग अलग भाषाओं में सुनकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50 तो आप में से पहले 250 लोगों को ये पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में, वो भी पूरे एक साल के लिए। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर पल उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वो ये है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया। और फिर वो चले गए इस दुनिया से, बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसीलिए जब तक ये जीवन है, इसे सार्थक कामों में लगाओ। खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप व आत्मग्लानि के भाव से भर जाते हो। और फिर यही आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम अशांत हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसीलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, चौथी आदत, ये सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज़ में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो, हो सकता है कि तुम ही कर जाओ। क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर ये इस बात को जानते हैं कि इन्होंने कभी उतनी कोशिश ही नहीं की थी जितनी इन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए, ये अपने अधूरे प्रयासों की सेखी बघारते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसीलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने ये चार आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए, और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन चारों आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्ध का धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूँ कि कुकू एफएम पर डेयर टू फेल बुक की हिंदी में बुक समरी सुनना ना भूलें, और 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का
इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।